ओके बच्चों, ये हम लोग इसका ड्रॉ द ग्राफ बोल रहे हैं। ओके और ये एक्स एक्सिस में कहाँ कट करेगा, वाई एक्सिस में कहाँ कट करेगा। ओके ठीक है, लास्ट क्लास बच्चों इसका हम ड्रॉ द ग्राफ किए थे। ओके लॉन्ग कट मेथड में। ओके इसका एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट। ओके आज पहले लॉन्ग कट करते हैं, उसका शॉर्ट कट करते हैं। अच्छा बोलिए, अब इसका ड्रॉ करेंगे 3y² पहले लॉन्ग कट करेंगे। 3y = 6 माइनस 2x, 3y = 6 माइनस 2x। ओके 3y = 6 माइनस 2x, देन y = कितना, 6 माइनस 2x बाय कितना, 3। बच्चे समझे, 3y² क्या होगा, प्लस 2x उधर जाके माइनस 2x होगा, इंटू 3 जाके डिवाइड 3। ओके ठीक है, हाउ आप बच्चों इसका टेबल बनाते हैं। ओके आप बच्चों टेबल बनाते हैं। ओके ये आपका एक्स एंड वाई। ओके ये आपका एक्स और क्या वाई। ओके ठीक है, अच्छा बोले ऐसा डालिए जैसा कि आपका वैल्यू आएगा, इंटीजर वैल्यू आएगा। एक्स का 0 डालते हैं तो वाई कितना आएगा, कौन बोलेगा, एक्स का वैल्यू 0 डालेंगे तो वाई कितना आएगा, बोलिए। एक्स का बदले 0 डालेंगे, ठीक है, एक्स के बदले 0 डाल दीजिए, ये तुम्हारा 6/3 आएगा, ये 2 × 0 = 0 हो जाएगा, कितना 2, वाई का वैल्यू 2 आएगा। ठीक है, एक्स के बदले 0 डालेंगे, वाई का वैल्यू 2 आएगा। आप बोलिए क्या डालेंगे जिससे कि इंटीजर वैल्यू आएगा, आप बोलिए क्या डालेंगे। बड़ी मोबाइल चाहिए क्लास करने के लिए। एक्स का वैल्यू हम 0 डालेंगे तो वाई का वैल्यू क्या आ रहा है, एक्स का वैल्यू 0 डालने से वाई का वैल्यू ये। आप बोलिए क्या डालने से पूरा नंबर आएगा, आप बोलिए क्या, 3 डाल सकते हैं, एक्स का वैल्यू 3 डालिए क्या आ रहा है, टाइम डालने से। ओके ठीक है, आओ एक्स का वैल्यू 3 डालते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है, 6/6 कितना 0 आ रहा है, क्या आ रहा है, हाँ गुड। ओके इतना में ग्राफ बन जाएगा, फिर भी और क्या डालेंगे बोले, 4 डालने से नहीं होगा, 5 डालने से नहीं होगा, 6 डालने से 18, 6 डालने से 12 माइनस 6, 6 डालने से होगा, ये 6 × 12 आएगा, माइनस 12 प्लस 6, अगर एक्स को मतलब 6 डालते हैं, 6 × 12, अरे वाह, अरे कौन है भिखारी करना गा रहा है। ओके देखिए कोई बात नहीं, सब बच्चों को नहीं बोलना चाहिए। ओके अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, एक्स का वैल्यू 6 डालिए। ओके तो बच्चों हम एक्स का वैल्यू जब 6 डालते हैं, ये माइनस 12, 6 माइनस 12 माइनस 6/3 माइनस 2 होगा। ठीक है, हाउ नहीं देखिए, एक दिन बच्चों हम लोग कॉमेडी क्लास करेंगे, ठीक है, तुम लोग अपना कॉमेडी बोलना बोलोगे, मैं भी अपना कॉमेडी बोलूंगा। ओके और ये एक सर क्या है, एक डैश, और ये वाई और क्या, वाई डैश। ठीक है, अरे कुछ बोलते ना, सो तुम लोग सब सीरियस हो गए। ओके ठीक है, तो फिर तुम लोग कॉमेडी पसंद नहीं है, तो फिर ये -1 -2 और क्या सर है। अच्छा ठीक है, तो फिर ओके ओके हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। ओके ये हुआ बच्चों -1 -2 और क्या -3। ठीक है, तो बच्चों ये तुम्हारा है एक्स। ओके ग्राफ बनाते बच्चों। ओके एक्स का 0 वाई का 2, एक्स का 0 वाई का 2, एक्स का 0 वाई का 2 इधर होता है। ओके पहले एक्स आता है, उसके बाद वाई, ये एक्स का 3 वाई का 0। ओके फिर एक्स का 6 वाई का -2, एक्स का 6 वाई का -2। ओके तो बच्चों ये आपका बन गया, ऐसे स्ट्रेट लाइन में आएगा। ओके क्या थोड़ा गड़बड़ी, एक्स का 6 वाई का -2 इधर आएगा। ओके ठीक है, अच्छा अब बोलिए, ये बोल रहा है, क्वेश्चन में पूछा था ये वाई एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, तो ग्राफ ऑफ दिस ये कॉर द वाई एक्सिस, द पॉइंट वाई एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, कहाँ वाई एक्स, 0 2 0 2। ओके वेरी गुड,
ये वाई एक्सिस को 02 में कट कर रहा है, ठीक है, ऑप्शन डी आएगा, ठीक है। अच्छा और एक बात है, इसको शॉर्टकट मेथड एक होता है फॉर्मूला, बच्चों शॉर्टकट में ढाई नहीं होता है, ओके। शॉर्टकट मेथड ये है आपका एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू वन, ये फॉर्मूला है शॉर्टकट मेथड का, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू वन। देखिए तो ये क्वेश्चन दिया था आपका 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, ये 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, ओके, बीच में इसका प्लस रहेगा बच्चों के, 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। अच्छा बोलिए क्या डिवाइड करने से हमें राइट में मान चाहिए, क्या डिवाइड करने से मान आएगा, क्या डिवाइड करने से मान आएगा, कह रहे बच्चों क्या डिवाइड करने से मान आएगा, बोलिए अरे क्या डिवाइड करने से मान आएगा राइट में, ओके। ये आपका इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, मुझे 1 चाहिए तो 6 डिवाइड कर देंगे, इधर भी इधर भी इधर भी, तो ये कितना बन रहा है, बोलिए ये x का बाई 3, ये x बाई x इंटरसेप्ट, ये 3 आपका दूसरा, दूसरा कितना है, कितना बोलिए y बाई 2 आएगा, ठीक है, इक्वल टू 1। इस फॉर्म में आ गया बच्चों, इस फॉर्म में आ गया, तो बच्चे इसका आराम से अभी ड्राइंग बन जाएगा। देखिए x का 3 में जाएगा, y का 2 में जाएगा, इसका ग्राफ बच्चे ऐसा आएगा, ठीक है, ये दोनों ग्राफ एक ही है, ये दोनों ग्राफ एक ही है, ये आपका शॉर्टकट में मेथड में हुआ, ओके, ये शॉर्टकट मेथड में हुआ, ये लॉन्ग कट मेथड में हुआ। इस ग्राफ पे पूछेगा x एक्सिस में कहाँ कट कर रहा है, y एक्सिस में कहाँ कट कर रहा है, बोलिए y जीरो जीरो टू हो गए, और x एक्सिस में 30 में कट कर रहा है, ठीक है, ठीक है बच्चे, शॉर्टकट मेथड फॉर्मूला याद रहा, यस ओके, ठीक है, ये लॉन्ग कट मेथड में, लॉन्ग कट में टेबल बना के, ओके। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, ओके, ड्रॉ द ग्राफ, ड्रॉ द ग्राफ शॉर्टकट मेथड में करेंगे, ठीक है। ये 3x प्लस ये 5y इक्वल टू 15, ड्रॉ द ग्राफ 3x प्लस 5y इक्वल टू 15, तो बनाइए शॉर्टकट में, कौन बना के भेज सकता है, देखिए शॉर्टकट में बनाइए, देखिए हमारा इसका शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला है x बाय x इंटरसेप्ट y बाय y इंटरसेप्ट इक्वल टू 1, x बाय x इंटरसेप्ट y बाय y इंटरसेप्ट इक्वल टू 1, देखिए राइट साइड में आपका 1 बनना है। अच्छा बोलिए इधर राइट साइड पे 1 बनाने के लिए क्या डिवाइड करेंगे, तो 15 राइट साइड पे 1 15 डिवाइड करेंगे, ओके, तो इधर 15 डिवाइड कर दीजिए, इधर भी 15 डिवाइड कीजिए, इधर भी 15 डिवाइड कीजिए, इधर भी 15 डिवाइड कीजिए, x बाय कितना आपका 5 आएगा, ये y बाय कितना आएगा 3 आएगा इक्वल टू 1, ओके, ये शॉर्टकट मेथड है बच्चों, ओके। तो देखिए ये आपका शॉर्टकट में क्या होगा, x का 5 y का 3 आएगा, ये 1 ये 0, ओके 1 2 3 4 5, ये आपका 1 2 3 4, ओके ओके, x का 5 y का 3, ओके। एग्जाम में इसका क्वेश्चन पूछेगा ये x एक्सिस में कहाँ कट करता है, क्या बोलोगे, ये x एक्सिस में कहाँ कट करता है, क्या बोलोगे, 03 नहीं 50 y एक्सिस में, हाँ y एक्सिस में कहाँ कट करता है, क्या बोलोगे, 03, ठीक है, ये शॉर्टकट मेथड में हुआ बच्चों, x बाय x इंटरसेप्ट y बाय y इंटरसेप्ट इक्वल टू 1, ये इसका फॉर्मूला है, x बाय x इंटरसेप्ट y बाय y इंटरसेप्ट 1, बीच में प्लस रहना, ओके, बीच में जैसे ही प्लस रखोगे। और एक क्वेश्चन दे रहे, क्वेश्चन ये है कि x प्लस 2y इक्वल टू 4, ड्रॉ द ग्राफ, सर शॉर्टकट में, हाँ शॉर्टकट में बनाइए, ड्रॉ द ग्राफ, ओके, देखिए इसका ड्रॉ द ग्राफ बोल रहा है, ओके। तो हमारा जो फॉर्मूला है इसका क्या था, फॉर्मूला था x बाय x इंटरसेप्ट
बीच में प्लस y बाय वाई इंटरसेप्ट इक्वल टू वन, राइट में वन आएगा, ठीक है। तो वन कैसा आएगा, राइट में कैसे वन आएगा, डिवाइड फोर करने से राइट में वन आएगा। तो इधर भी डिवाइड फोर, इधर भी डिवाइड फोर, एक्स बाय फोर प्लस वाई बाई टू इक्वल टू वन, ओके। राइट में वन आना है तो इधर भी डिवाइड फोर, इधर भी डिवाइड फोर, इधर भी डिवाइड फोर, ठीक है। ये एक्स का इंटरसेप्ट फोर है, वाई का इंटरसेप्ट टू है, ओके। तो उसको जब ग्राफ बनाओगे, एक्स का इंटरसेप्ट फोर है, ये वन टू थ्री फोर, और वाई का इंटरसेप्ट टू है, वन और टू, ओके। ये शॉर्टकट मेथड है, अगर क्वेश्चन इसका पूछता है एक्स का कहाँ पर इंटरसेप्ट कर रहा है तो फोर जीरो, एक्स का कहाँ पर इंटरसेप्ट करता है तो जीरो टू, ओके। एक्स का कहाँ पर इंटरसेप्ट फोर जीरो, वाई का कहाँ पर इंटरसेप्ट करता है जीरो टू, ठीक है। शॉर्टकट मेथड, ओके। और एक दे रहा है क्वेश्चन, बच्चों टू वन टू सिक्स ऐसा कुछ नहीं है। देखो और एक क्वेश्चन बच्चों दे रहे हैं, ये शॉर्टकट मेथड है, ओके। क्वेश्चन है टू एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल टू सिक्स। सर आएगा, देखिए ये आपका सिक्स बनाना है, यहाँ पर ये फॉर्मूला है एक्स बाई एक्स इंटरसेप्ट, वाई बाई बीच में प्लस रहेगा, वाई बाई वाई इंटरसेप्ट इक्वल टू वन, ठीक है। ये इसका शॉर्टकट में तो देखिए हमारा ये क्या करेंगे, यहाँ पर सिक्स डिवाइड करो, इधर भी सिक्स डिवाइड करो, इधर भी सिक्स डिवाइड करो, ओके। ये कट जाएगा, एक्स बाई कितना थ्री आएगा, बीच में प्लस रहेगा जैसे भी, ओके। और ये कट जाएगा कितना, ये वाई बाई माइनस टू आएगा, ओके। ये बीच में प्लस जैसे रहेगा, ये वाई बाई माइनस टू को नीचे ले आओ, इक्वल टू वन, बीच में जैसे भी प्लस रहेगा हमेशा के लिए, ओके। ये कट जाएगा, टू बाई थ्री आएगा, ओके। ये काट दीजिए, टू वन जा टू, ये थ्री जाएगा, ओके। एक्स बाई थ्री, ये वाई बाई बीच में प्लस रहेगा, ये काटिए तो टू माइनस को नीचे ले आई, ओके। इसका एक्स इंटरसेप्ट थ्री है, एक्स का इंटरसेप्ट थ्री है, वन टू थ्री, वाई का इंटरसेप्ट माइनस टू है, माइनस वन माइनस टू, ओके। एक्स का इंटरसेप्ट थ्री है एंड वाई का इंटरसेप्ट माइनस टू है, ठीक है। ये आपका ग्राफ किसका है, किसका ग्राफ ही है, ये टू एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल टू सिक्स, ये टू एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल टू सिक्स, ठीक है। और एक क्वेश्चन दे रहे हैं, ड्रॉ द ग्राफ, ड्रॉ द ग्राफ, ओके सर, इसके पूरे का पूरा ग्राफ दिखाइए। हाँ हाँ, ओके। इसका पहला वाला का ग्राफ जो है, ये तुम्हारा ये कट गया, थ्री आया, बीच में प्लस रखोगे, ये एक्चुअली माइनस थ्री बाई टू, ये माइनस आया इसका, इधर वो माइनस को नीचे ले आओ, ये जो माइनस आया उसको नीचे ले आओ, ओके। वाई बाई माइनस टू, बीच में प्लस रखो, ये जो माइनस है नीचे ले आओ, ओके। तो एक्स का थ्री, वाई का माइनस टू, एक्स का थ्री, वाई का माइनस टू, ठीक है। Yes. ये ग्राफ हुआ किसका, टू एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल टू सिक्स, ओके। और एक तो क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखिए, ओके। क्वेश्चन ये आपका, ड्रॉ द ग्राफ, द्वारा माइनस थ्री एक्स, ये प्लस टू वाई इक्वल टू आपका सिक्स, ओके। ड्रॉ द ग्राफ, ओके। ये इसका देखिए, हमारे ये फॉर्मूला एक्स बाई ए वाई बाई बी इक्वल टू वन, ये ऊपर में प्लस रहता है, ओके। नीचे तो माइनस ला सकते हो, ओके। तो यहाँ पर वन बनाने के लिए तो सिक्स डिवाइड, इधर भी सिक्स डिवाइड, इधर भी सिक्स डिवाइड, ओके। यहाँ पर ऊपर में प्लस रखो, ओके। ये काट दीजिए और वो माइनस को नीचे ले आए, ओके। ये काट दीजिए, ओके। ये काट दीजिए, क्या वाई का थ्री, ओके वन। तो एक्स का इंटरसेप्ट माइनस टू है, वाई का इंटरसेप्ट थ्री है, ओके। तो यहाँ पर इसका बनाइए, एक्स का माइनस टू बोल रहा है, ओके। राइट पे प्लस होता है, इधर लेफ्ट पे माइनस होता है, एक्स का माइनस टू, वाई का प्लस थ्री है, वन टू थ्री, ओके। एक्स का नेगेटिव, वाई का प्लस टू बोल रहा है, ओके। ठीक है, ये किसका ग्राफ है, आपका किसका ग्राफ था, ये माइनस थ्री एक्स वाई प्लस टू एक्स वाई इक्वल सिक्स,
माइनस थ्री एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू सिक्स। स्लाइन के ऊपर लिख दीजिए माइनस थ्री, स्लाइन के ऊपर लिख दीजिए माइनस थ्री एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू सिक्स। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, देखिए इसको ये देखना है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्रॉ द ग्राफ, ये इसका नेगेटिव नीचे ले आओगे, इसका भी नेगेटिव नीचे ले आओगे, बीच में प्लस रखोगे तो यहाँ पर ये फॉर्मूला है एक्स बाय ए, ये ऊपर प्लस रहना है, नीचे नेगेटिव ला सकती है वाई बाय बी, ऊपर प्लस रहना नीचे, और ये राइट साइड पे वन बनना है, तो राइट साइड पे वन बनाना तो क्या डिवाइड करेंगे, राइट साइड पे वन डिवाइड बनाने का डिवाइड क्या करेंगे, एट डिवाइड करेंगे। ओके काट दीजिए ये एक्स बाय कितना हो, ऊपर प्लस रखना है। ओके काट दीजिए, ये फोर आएगा तो ये माइनस नीचे ले आए। ओके ये बीच में प्लस रहना बहुत जरूरी है, फॉर्मूला है उसका। ओके ये काट दीजिए, ये माइनस टू रहेगा, तो एक्स का इंटरसेप्ट माइनस फोर है, वाई का इंटरसेप्ट माइनस टू है। ओके एक्स का माइनस फोर है, ओके ये माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर, और वाई का माइनस टू है, माइनस वन माइनस टू। ओके तो एक्स का माइनस फोर वाई का माइनस टू। ओके ये इसका ग्राफ है, ठीक है। ड्रॉ द ग्राफ बच्चे, हो गया बच्चों ड्रॉ द ग्राफ हो गया। यस। अच्छा नेक्स्ट बच्चों देखिए अभी, हाँ नेक्स्ट दूसरा टाइप का ग्राफ क्वेश्चन देखिए, दूसरा टाइप का आप करेंगे। ओके एंड बोलता है ड्रॉ द ग्राफ, बोलता है ड्रॉ द ग्राफ एक्स इक्वल टू टू, एक ही ग्राफ में करेंगे सभी। ड्रॉ द ग्राफ एक्स इक्वल टू टू, एक्स इक्वल टू माइनस थ्री, एक्स इक्वल टू जीरो, एक ही ग्राफ सभी भी एक ही, हाँ सभी ये में करेंगे, एक ही ग्राफ में करेंगे। अगेन वाई इक्वल टू फोर, वाई इक्वल टू माइनस फाइव, वाई इक्वल टू जीरो, ड्रॉ द ग्राफ बोलता है, और ये एक्स इक्वल टू वाई और एक्स इक्वल टू माइनस वाई, इतना सभी ग्राफ एक ही ग्राफ पे करेंगे, ठीक है। तो बच्चों ड्रॉ द ग्राफ एक्स इक्वल टू टू, एक्स इक्वल टू माइनस थ्री, एक्स इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू फोर, वाई इक्वल टू माइनस फाइव, वाई इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू वाई, एक्स इक्वल टू माइनस वाई, ठीक है। ये ग्राफ से बनाएंगे, देखिए ये देखो बच्चों, ये जीरो, ये वन टू थ्री फोर फाइव, ओके ये एक्स है, ओके ये एक्स डैश, इस तरफ एक्स डैश, ये माइनस वन, ओके ये आपका माइनस वन, ओके ये माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव, ये वन टू थ्री फोर फाइव, ओके ये वाई है और नीचे वाई डैश। ओके इसके बाद फिर से बच्चों सभी लॉग इन होना, ज्वाइन करना। ओके इसके बाद और एक और 10 मिनट का क्लास होगा, लेकिन ज्वाइन कीजिए। ओके ये माइनस वन, ओके माइनस टू, ये माइनस थ्री, ठीक है। अच्छा बच्चों बोलते हैं क्वेश्चन में ड्रॉ द ग्राफ एक्स इक्वल टू टू, जब बोलते हैं ड्रॉ द ग्राफ एक्स इक्वल टू टू, टू में बच्चों कर देंगे, टू में एक तो सीधा लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस, ये इस ग्राफ का इक्वेशन का नाम है एक्स इक्वल टू टू। अगर बोलते हैं बच्चों ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द एक्स इक्वल टू टू, तो ये टू में आपका सीधा बना देंगे, इसका ग्राफ का नाम, इसका इक्वेशन क्या है एक्स इक्वल टू टू, ठीक है। अगर एक्स इक्वल टू फाइव बोलता है क्या करेंगे, फाइव में एक तो सीधा ऐसा स्ट्रेट लाइन बनाओगे, ड्रॉ द ग्राफ एक्स इक्वल फाइव, तो सर सीधा फाइव में बनाओगे पार्लर टू द वाई एक्सिस,
अगर ड्रॉ द ग्राफ एक्स इक्वल फोर बोलता है, ये फोर में सीधा सा लाइन बना दोगे पार्लर टू एक्सिस, पार्लर टू वाई एक्सिस। ड्रॉ द ग्राफ एक्स इक्वल थ्री बोलता है, ये थ्री में से सीधा सा लाइन बना दोगे पार्लर टू द वाई एक्सिस। ड्रॉ द ग्राफ एक्स इक्वल टू बोलता है, तो ये सीधा सा पार्लर लाइन बना दो पार्लर टू वाई एक्सिस टू में। ड्रॉ द ग्राफ एक्स इक्वल वन बोलता है, इसे सीधा सा लाइन बनाओगे। ड्रॉ द ग्राफ एक्स इक्वल जीरो ये होता है। सो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द वाई एक्सिस, कौन बोला है व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस, ये एग्जाम में पूछता है। द इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस क्या होता है, एक्स इक्वल टू जीरो। ये एक्स इक्वल वन का ग्राफ ऐसे होता है, ये एक्स इक्वल जीरो का ग्राफ। सो इक्वेशन ऑफ द वाई एक्सिस एक्स इक्वल टू जीरो होता है। आप याद रखिए इक्वेशन ऑफ द वाई एक्सिस एक्स इक्वल जीरो, ये एक्स इक्वल वन, ये एक्स इक्वल जीरो। ये एक्स इक्वल माइनस वन का ग्राफ ऐसे सीधा आता है, एक्स इक्वल टू माइनस टू का ग्राफ सीधा आता है, एक्स इक्वल टू माइनस थ्री का ग्राफ ऐसे सीधा आता है। तो नेक्स्ट ग्राफ हमें क्या पूछा है, एक्स इक्वल टू जीरो हो गया, एक्स इक्वल माइनस थ्री। तो एक्स इक्वल टू माइनस थ्री का ग्राफ बच्चों जब बोल रहा है आपका सीधा ऐसे माइनस ये पे एक तो पार्लर टू दो वाई एक्स एक्स इक्वल टू माइनस थ्री, ये आपका ग्राफ एक्स इक्वल टू माइनस थ्री होता है। क्या लिख दीजिए, एक्स इक्वल टू माइनस थ्री। ड्रॉ द ग्राफ एक्स इक्वल टू माइनस फोर सीधा आएगा, ड्रॉ द ग्राफ एक्स इक्वल माइनस फाइव से सीधा आएगा। ठीक है बच्चों, ये हो गया बच्चों, तीन हो गया, एक्स इक्वल जीरो भी हो गया आपका, तीन उठा हो गया। नेक्स्ट बच्चों बोलता है वाई इक्वल टू फोर, ड्रॉ द ग्राफ वाई इक्वल टू फोर जब बोलता है तो बच्चों फोर में जाएगा, वाई का फोर में पार्लर टू द एक्स एक्सिस जाएगा। ड्रॉ द ग्राफ अगर वाई इक्वल अगर फोर बोलता है बच्चों, ड्रॉ द ग्राफ वाई इक्वल टू फोर बच्चे से फोर में से सीधा पार्लर होके जाएगा, ये आपका वाई इक्वल टू फोर आएगा। ड्रॉ द ग्राफ वाई इक्वल टू फोर बच्चे ऐसा आएगा, वाई इक्वल टू फोर, वाई इक्वल टू फोर। ठीक है, अगर बच्चों बोलता है कि आपका ड्रॉ द ग्राफ वाई इक्वल टू थ्री ऐसे सीधा आएगा, वाई इक्वल टू बोलता है तो ऐसे सीधा आएगा, वाई इक्वल वन बोलता है तो पार्लर टू द एक्स एक्सिस से सीधा आएगा, वाई इक्वल टू जीरो बच्चों ये आएगा। तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द वाई एक्स एक्सिस, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द एक्स एक्सिस, तो जीरो बच्चों, व्हाट इज द इक्वेशन, हाँ वाई इक्वल टू जीरो। अगर एक एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन इसका, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द एक्स एक्सिस, दैट इज वाई इक्वल टू जीरो, क्यों वाई इक्वल टू थ्री ऐसे सीधा होता है, वाई इक्वल टू ऐसे सीधा होता है, वाई इक्वल वन ऐसे सीधा होता है, वाई इक्वल टू जीरो आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों पूछेगा वाई इक्वल टू द्वारा बोल रहा है माइनस फाइव बोल रहा है, तो ये वाई इक्वल टू माइनस वन ऐसे सीधा होता है, वाई इक्वल टू माइनस टू ऐसे सीधा जाता है, वाई इक्वल टू माइनस थ्री ऐसे सीधा जाता है, वाई इक्वल टू माइनस फाइव क्वेश्चन में बोला है वाई इक्वल टू माइनस फाइव। ओके, वाई इक्वल टू माइनस फाइव, ओके ये माइनस फोर, ये माइनस फाइव, वाई इक्वल टू माइनस फाइव का ग्राफ बनाना है। तो वाई इक्वल टू माइनस फाइव बच्चे से सीधा जाएगा माइनस फाइव में, ये ग्राफ का इक्वेशन क्या है, वाई इक्वल कितना माइनस फाइव, समझ गए बच्चों। वाई इक्वल फोर, वाई इक्वल थ्री, वाई इक्वल टू, वाई इक्वल वन, वाई इक्वल टू जीरो, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, दैट इज वाई इक्वल जीरो। बच्चों मैं एमसी क्वेश्चन दूंगा, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द एक्स एक्सिस, दैट इज वाई इक्वल जीरो। वाई इक्वल माइनस वन, वाई इक्वल माइनस टू, वाई इक्वल माइनस थ्री, वाई इक्वल माइनस फोर, वाई इक्वल माइनस फाइव। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों एक ग्राफ बोल रहा है एक्स इक्वल टू वाई, तो एक्स इक्वल टू वाई बच्चों ऐसा जाता है कि ओरिजिन देके जाएगा, ये ग्राफ है बच्चों आपका एक्स इक्वल टू वाई, और ये 45 डिग्री होगा। ओके, तो बच्चों ये जो ग्राफ है आपका एक्स इक्वल टू वाई होता है। नेक्स्ट जो ग्राफ बोल रहा है एक्स इक्वल टू माइनस वाई बोलने के लिए, एक्स इक्वल टू माइनस वाई का ग्राफ बच्चों ऐसे जाएगा, दिस इज द ग्राफ आपका एक्स इक्वल टू माइनस वाई। ठीक है बच्चों, ये ग्राफ आपका एक्स इक्वल टू माइनस वाई। ठीक है, ठीक है बच्चों, इस टाइप का ग्राफ नेक्स्ट क्लास हम लोग बहुत सारे करेंगे, इस टाइप का ग्राफ नेक्स्ट क्लास और इसका ऊपर आएगा। ठीक है, तो कमिंग क्लास में और एक तो ग्राफ का क्लास है थोड़ा बहुत, ओके उसके बाद चलेंगे हम लोग का एनसीईआरटी बुक, ओके, और आर डी शर्मा एग्जाम प्लॉट सब चलेंगे। ठीक है बच्चों, एक ग्राफ बन गया, यस सभी का बन गया, ये x इक्वल टू वाई और x इक्वल टू माइनस वाई। ओके, नेक्स्ट क्लास का क्वेश्चन में हम देंगे।